सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हो ये है मुरादनगर का स्टेशन निकल चुका है और ये मुरादनगर की नहर आने वाली है। तो आपको बता दूं कि दोहाई से लेकर और मोदी नगर तक का जो बायोडक्ट है वो बिल्कुल जुड़ के कम्प्लीट सही हो चुका है। तो आपको दिखाते कि कहाँ कहाँ पर बाकी रह गया बायोडक्ट जुड़ने के लिए दोस्तों। तो देख सकते हो दो पिलर ये बचे हुए हैं जो कि ये नहर की तरफ से आ रहा है। इधर मुरादनगर के स्टेशन की साइड में ये लॉन्चर लगा हुआ है, ये दो पिलर कनेक्ट किए जा रहे हैं। ये दो पिलर कनेक्ट हो जाएंगे, देख सकते हो ये नीचे रखा हुआ है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो यह है मुरादनगर की नहर जिस पर अभी हम चल रहे हैं। तो ये मुरादनगर की नहर है और इस पर बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जा चुका है पहले ही। और जहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था पहली बार वो जगह है ये वाली, देख सकते हो ये जो पिलर है, इस पिलर से लॉन्चर स्टार्ट हुआ था। ये जो क्रेन मशीन रखी हुई है देखो, यहाँ से ये पिलर, ये लॉन्चर लगाया था, इस जगह से ये लॉन्चर लगाया गया था और ये जा रहा है मुरादनगर स्टेशन के साइड में। और दो पिलर ये बचे हुए हैं जो लॉन्चर ये पहले पीछे लगा हुआ था, ये लॉन्चर इसको जोड़ देगा बायोडक्ट के। तो देख सकते हो ये बायोडक्ट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा जुड़ के दोस्तों। अब देखते हैं आगे चल के आगे कितना कुछ बाकी रह गया है, जो कि मोदी नगर साउथ का स्टेशन है वहाँ तक कितना बायोडक्ट क्लियर हो चुका है वो भी आप लोग देखेंगे। तो देखते हैं चल के आगे के वहाँ पर कितने पिलर बाकी बचे हैं बायोडक्ट को जोड़ने के लिए दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है। और आपको बता दूं ये जल्दी ही रैपिड रेल स्टार्ट हो जाएगी चलनी, जो कि प्रायोरिटी सेक्शन से स्टार्ट होगी, जो कि प्रायोरिटी सेक्शन है इसका साहिबाबाद से लेकर और दोहाई के बीच में 17 किलोमीटर का पार्ट है। और इस पर आपको बता दूँ रैपिड रेल का जो ट्रायल रन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो आपको बता दूँ कि जो बायोडक्ट के ऊपर आपको बता दूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं और खंभे लग जाने के बाद में फिर उन पर खंभे के ऊपर जो ओवरहेड इक्विपमेंट है वो लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दूं कि इस पर अभी जो पैराफिट बॉल बनाने का काम था वो हो चुका है। अब इस पर आपको बता दूं ट्रैक बिछाया जा रहा है दोस्तों, पहले ट्रैक स्लैब बिछाए जाते हैं फिर ट्रैक बिछाया जाता है। तो वो भी मैं आप लोगों को किस तरीके से बिछाया जाता है वो सब कुछ आप लोगों को आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों केपी संत के चैनल पर। तो कहीं मत जाओ, कैसे कैसे जोड़ा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है लाइन को, वो मैं सब कुछ आप लोगों को जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उनमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को मैं ऊपर का भी दिखाऊंगा, अभी तो आप लोग नीचे का देख लो, आपको ऊपर का भी मैं दिखाने वाला हूं। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
देख सकते हो कुछ पिलर ये बचे हुए हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पर बायोडक्ट ये जुड़ता हुआ जा रहा है मोदी नगर साउथ के स्टेशन के लिए। दोस्तों तेजी के साथ में अभी वर्क चल रहा है इस पे स्टेशन पे। तो देख सकते हो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये 23 पिलर्स हैं जो अभी जोड़ने के लिए बचे हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने के लिए ये बायोडक्ट क्लियर कर रहा है दोस्तों। तो ये 23 पिलर्स हैं, देख सकते हो ये बचे हुए हैं बाकी बायोडक्ट को क्लियर करने में मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले दोस्तों। तो ये आ रहा है मुरादनगर की साइड से। तो देख सकते हो ये फिनिशिंग का काम चल रहा है इस पर पिलर कैपिंग का दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, कुछ पिलर बचे हुए थे उन पर देख सकते हो ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया पिलर का। अब इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं, रिंग लग जाने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा। जैसा कि इस पिलर में देखो ये सेटरिंग लगाई जा रही है बाहर से और फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा तो ये पिलर बिल्कुल बनके कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हो ये पियर कैप लगाया जा रहा है पिलर के ऊपर, देख सकते हो किस तरीके से ये लगाया जा रहा है दोस्तों। तो ये पूरा ही सरियाओं का जाल है तो उसी तरीके से लगाया जाता है। और दूसरा लॉन्चर देखो ये लगा हुआ है, ये भी आ रहा है मोदीनगर साउथ के स्टेशन की साइड से और ये जा रहा है मुरादनगर की साइड के मुरादनगर स्टेशन की साइड में दोस्तों। इसका मूव है तो ये सारे पिलर को जोड़ता हुआ जा रहा है। तो इस पर जल्दी ही बायोडक्ट क्लियर कर लिया जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दूं कि सन 2023 तक ये बिल्कुल बायोडक्ट बिल्कुल ये रैपिड रेल बन के तैयार हो जाएगी सन 2023 तक, आपको बता दो दोस्तों। और ये 25 में चलाई जानी, कुछ बायोडक्ट ये यहाँ पर बचा हुआ है तो लॉन्चर लगा हुआ है और ये जा रहा है मोदीनगर साउथ के स्टेशन की साइड में। तो कुछ पिलर ये बचे हुए देख सकते हो, 18 पिलर कुछ ये हैं दोस्तों जो कि बायोडक्ट को जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं इन पे इधर ये पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। जब हम मोदीनगर साउथ के स्टेशन के करीब पहुंच जाएंगे तो वहीं पर ये काम चल रहा है पियर कैप लगाने का दोस्तों, और पियर कैप लगाए भी जा रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दूं ये पूरी परियोजना है 30,772 करोड़ रुपये की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों और इस पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आने वाले टाइम में बहुत ही हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है जो आने वाला कल है दोस्तों। आपको बता दूं कि मोदी सरकार के राज्य में बहुत सारी सुविधाएँ मिलती चली जा रही हैं दिन के दिन। एक तो रैपिड रेल ये कुछ एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ेगी। और आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो मोदीनगर मुरादनगर वासी हैं, जो मेरठ के वासी हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो कि 4-5 घंटे फंस के आते थे मेरठ से दिल्ली के लिए, अब उनके लिए सिर्फ 45 मिनट में वो दिल्ली पहुंचा करेंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दूसरा लॉन्चर, तीसरा लॉन्चर ये, चौथा लॉन्चर ये लगा हुआ, ये भी मुरादनगर स्टेशन की साइड में इसका मुँह है, ये भी लॉन्चर जोड़ता हुआ जा रहा है उस साइड में। तो 18 पिलर थे, अब आगे आने वाला आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीनगर साउथ का स्टेशन, कि मोदीनगर साउथ का स्टेशन पे क्या क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग इस अपनी आंखों से देखना, तस्वीरों में देखना दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों देखते रहो। तो देख सकते हो ये आ चुका है मोदीनगर साउथ का स्टेशन। तो अभी आपको बता दूं देखो सेटरिंग लगी हुई है, जो कॉन्कोर्स लेवल का जो बिंग्स है उसको बनाया जा रहा है दोस्तों, और प्लेटफॉर्म लेवल का तो बिंग्स बना दिया जा चुका है, अब कॉन्कोर्स लेवल का ये बिंग्स को बनाया जाएगा दोनों साइडों में, देख सकते हो तस्वीरें। तो प्लेटफॉर्म लेवल के बिंग्स तो बन चुके हैं ऊपर के, अब नीचे वाले बनने हैं इसके कॉन्कोर्स लेवल वाले दोस्तों। तो कॉन्कोर्स लेवल के जैसे ही ये बिंग्स बन जाएंगे फिर इन पर गटर लॉन्चिंग की जाएगी, फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा, फ्लोरिंग करके फिर स्टेशन को बनाया जाएगा। तो देख सकते हो ये गटर लॉन्चिंग की जा रही है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ये बिंग्स को बनाया जा रहा है, दोनों साइडों में स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये मोदीनगर साउथ का स्टेशन है। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हो ये
गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में दोस्तों इसमें फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लोर कर भी दिया, ये देख सकते हैं ये कौन कौन लेवल का ये फ्लोर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है इसमें। अब इसमें फ्लोरिंग हो गया, फ्लोरिंग हो जाने के बाद में ऐसे ये पक्का कर जाए बिल्कुल सारे दोनों ही लेवल के प्लेटफॉर्म को लेवल कर दिया जाएगा। तो देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो बिंग्स है वो उसको बना दिया जा चुका है, अब नीचे वाले बनाए जाएंगे दोस्तों। और बन जाने के बाद में फिर इस पर गटर लॉन्चिंग की जाएगी, गटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर क्या फ्लोरिंग की जाएगी दोस्तों। और दोनों साइडों में ही अभी आपको बता दूं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ हमें नीचे कि वीडियो कैसा लगा केपी संत का। और केपी संत लाता रहता आप लोगों के बीच में, तो हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।